नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं कुशीनगर जनपद के नगर पंचायत छितौनी वार्ड नंबर 7 में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पहले मालूम है कि 4 मई को मतदान हुआ और 13 मई को मतगणना, जिसमें बड़े बड़े योद्धा और बड़ी बड़ी पार्टियाँ शामिल थी। इस चुनावी जंग में कुछ निर्दलीय भी पार्टियाँ थी और कुछ बड़ी पार्टियाँ जो भारत लेवल पर है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य भी। तो इसी बीच हम एक युवा इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के सभासद प्रत्याशी जो विजयी हुए हैं काफ़ी संघर्ष करके, मैं इनके पास अभी उपस्थित हूँ और चाहूँगा मैं आपसे इनको रूबरू कराऊँ। तो सर, मैं चाहूँगा आप सर स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। और सर, सबसे पहले मैं आपको सर बधाई देता हूँ अपने चैनल की ओर से आपको, या विजयी प्राप्त किए इतने लोगों के सर बीच में, जहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपने अपनी योद्धाओं को खड़ी की थी इस चुनावी मैदान में। तो सर, मैं चाहूँगा आप पहले मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ से चलकर मेरे घर पे आए, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं आपको ये बता दूँ, सबसे नवयुवक 21 वर्षीय पहला प्रत्याशी ऐसा हूँ नगर पंचायत में, और मात्र 20 दिन का मेहनत का करारी जवाब हमको गांव की जनता, पूरा वार्ड नगर पंचायत छितौनी वार्ड नंबर 7 की पूरी जनता जनार्दन हमको अच्छा समझा और हमको 13 मत से विजयी बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ अपने नगर पंचायत छितौनी वार्ड नंबर 7 की जनता जनार्दन को। समय का सर किल्लत होने की वजह से मैं चाहूँगा अब सवाल और जवाब का जो सिलसिला है हम लोग जारी रखते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी आपके वार्ड में सर, अपने अपने कैंडिडेट को एक योद्धा के रूप में खड़ी की हुई थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन आप एक निर्दलीय होने के बावजूद भी सर फतेह कर लिए सर, आप विजय प्राप्त कर लिए, क्या वजह है सर? सर, इसका वजह है कि मेरी बात, मेरी मुंह का व्यवहार और मेरी कड़ी मेहनत, लोगों के बीच रहना, बातें सुनना उनका, उसमें अपना राय देना, और पार्टी बहुत आई मेरे सामने लेकिन पार्टी टिक नहीं पाई, क्योंकि मैं भी पार्टी से टिकट मांग रहा था, टिकट मिला नहीं हमको। इसके लिए मैं पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनको दिया उनको भी कुछ वोट मिला, लेकिन हमारे 114 मतों से मतलब विजयी प्राप्त किया हूँ मैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो भी आपकी पार्टी थी जिनसे आप टिकट का दावेदारी सर कर रहे थे, तो सर कहीं ना कहीं वह आपके अंदर कहीं ना कहीं काबिलियत की कमी देखी, कुछ ना कुछ सर होगा वजह। तो सर, आप जब वहाँ से आए तो सर किस प्रकार परिस्थितियों से फेस किए कि आपको तो जो पार्टी थी टिकट नहीं थी, कहीं कहीं सर उस समय आपको ये लगा होगा हाँ कि समस्याओं से अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी में एक कहावत है कि जहाँ बड़ बड़ ढोल हुआ टिंकी के काम बोल। तो सर, क्या कहेंगे आप इस वाक्य पर? बिल्कुल, पार्टी हमको टिकट इसलिए नहीं दी कि मैंने पहले दावेदारी नहीं किया था, क्योंकि दावेदारी करने के लिए शुरू से लगना पड़ता है पार्टी में, और पार्टी को मैंने लास्ट मोमेंट में अपना परिचय दिया और बोला हमको, मतलब पार्टी से हमने अपना निवेदन किया कि पार्टी हमको टिकट दे, लेकिन टिकट नहीं दी। अगला सर सवाल आपसे ये है कि आप बहुत संघर्ष किए हैं, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति इसमें लगा हुआ था अपने इस पद के लिए, चाहे वह सभापति अर्थात अध्यक्ष पद के हो प्रत्याशी, या है वो सभासद अर्थात वार्ड पार्षद का सर हो प्रत्याशी, कैसे सर आप इसको फेस किए समस्याओं को चुनाव से पहले, और कैसे आप सर इस संघर्ष किए और मेहनत किए जिसके बदौलत आप सभासद चुने गए यहाँ के लोगों के द्वारा? बिल्कुल सर, हम जनता के बीच गए, जनता से अपने अपील यही किया कि आज से मैं जीतूं हारूं अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में गया और बोला कि हमको एक अच्छा प्रत्याशी समझ के, एक छोटा अपना भाई समझ के, बेटा समझ के, गांव का नाती समझ के हमको जिताइए और मैं उसके खड़ा उतरूंगा। चलिए सर, ये बहुत बहुत सर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खासकर इस एज में। सर सेकेंड लास्ट आपसे प्रश्न है, आपके पास और भी सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हैं और आपके पास अवसर हैं,
जो भी कर सकते थे, अन्य भी कार्य कर सकते, लेकिन सर राजनीति क्यों? बिल्कुल सर, राजनीति में हमको रुचि बहुत पहले से थी सर। क्लास 12th में पढ़ते थे तभी हमारे गुरुजी थे, वो बोले थे कि बेटा तुम एक दिन नेता बनोगे, और वो उनका मैं सपना पूरा किया। लेकिन सर एक बात है सर कि लोग ये हंसी मजाक में भी सर बोलते हैं कि बेटा तू नेते बन, इसे बोलते हैं सर। लेकिन सर आप रियल में उनकी बातों को सीरियस ले लिए और आप मेहनत किए सर और आप इस काबिल ही बन गए, और बहुत फख्र होता हुआ कि मेरा स्टूडेंट, मैं हंसी में मैं बोला तो वह अपने ने लक्ष्य को अचीव कर लिया। अगर वो सीरियस बोलते तब क्या होता सर? बिल्कुल सर, सीरियस बोलते तो उसका देखा जाता, लेकिन उन्होंने सर ने हमको बोला बेटा तुम ये करोगे और ये आगे बढ़ोगे तुम, तो मैंने रुचि लिया और कड़ी मेहनत से मैंने जीत हासिल की हूँ। और जो हमको वोट दिया है वो भी हमारा है, जो हमको वोट नहीं दिया है वो भी हमारा है। मैं जनता जनार्दन को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमको अच्छा समझ के, अच्छा प्रत्याशी समझ के, अच्छा बेटा समझ के हमको जिताया है। बहुत ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी आपकी जो है सम्मानित जनतागण एक सम्मानित सभासद को चुनी है। लास्टली सर आपसे ये प्रश्न है, आप अपने वार्ड के सभी वार्ड वासियों को जो सम्मानित जनतागण है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे लास्टली सर? क्योंकि चुनाव तो ख़त्म हो गया और जो सोशल मीडिया का है समय अब शायद ही कम हो जाएगा, या हम भी आपके पास बहुत दिनों के बाद आएँ, लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल सर, हम ये कहना चाहेंगे वार्डवासियों को कि आज हम इस पद पे हैं, उन्हीं के बदौलत पूरे गांव के, नगर के बूढ़े जवान, दादी माँ, माता जी, सबके बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और आज ही से मैं अगली तैयारी, बोले तो 5 साल बाद की जो चुनाव है उसके लिए मैं आज ही से अपना तैयारी करूँगा। आने वाले समय में शपथ ग्रहण के बाद उसी दिन से मैं अगला तैयारी करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं जो जो वादा लोगों से मैं किया हूँ उस पर मैं खड़ा उतरूँ। एक सर मैं सर आपसे सवाल छोड़ दिया, पहली बोर्ड की मीटिंग में सर किन समस्याओं को आप रखिएगा सभापति के सामने? पहली समस्या मेरी ये है वार्ड में, सबसे पहले मैं नाली देखूंगा, नाली और आवाज़, और तीसरा चीज़ स्वच्छता जो है जी, स्वास्थ्य क्लीन, और इस पर मैं करूंगा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। कि 6 महीने पर मैं अपने हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में रहता था वहाँ से कैंप बुलाऊँगा, और यहाँ से भी क्षेत्रीय जो हमारे गुरु जी लोग हैं, चाहे वो श्याम बाबू मेडिकल लाइन से जो भी हैं, श्याम बाबू, डॉक्टर श्याम बाबू पीरियाडिक्ट हैं गोरखपुर, गोरखनाथ हॉस्पिटल से बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको मैं बुलाऊंगा, और 4-5 लोग और हैं पडरौना में, उनको मैं बुलाकर 6 महीने पे लगातार मैं स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क लगाऊंगा। डॉक्टर का फीस नहीं लगेगा, उसमें दवा की जो होगी उसमें छूट दिलवाकर और दवा का कुछ पैसा लिया जाएगा, जिससे उन लोगों को नुकसान ना हो, लाभ मिले नुकसान ना हो। तो ये थे हमारे वार्ड नंबर 7 के रुस्तम अली जी, जिनकी उम्र महज 21 वर्ष से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और मैं चाहूँगा यहाँ के उन तमाम सम्मानित जो जनतागण हैं उनको मेरे भी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छे पद के लिए एक अच्छे नेता अपने लिए चुना, नेता नहीं बल्कि बेटा चुना। और सर आपसे भी इस बात की उम्मीद है कि जिन घोषणाओं को, चाहे लिखित हो चाहे वो सर मौखिक हो, जो लेकर चुनाव में आए थे, आप उस पर खरा उतरे, इसके लिए आपकी जो है जनता हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी है और होगी भी, क्यों ना हो, क्योंकि सर आपको इसी उम्मीद से इस पद को दिया है। चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ चित्तौनी।